हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 एमपी बोर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 18 रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, इसको हम कवर कर रहे थे। अभी तक इसके दो वीडियोस आ चुके हैं और जो थर्ड वीडियो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, बट आपको थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो अब मिलेंगे। तो फर्स्ट फेज में, दो फेजेस में इसको डिवाइड किया गया था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज जो हमने कवर अप कर लिया है, सेकेंड फेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज में हमने क्या क्या देखा कि वो कौन से रीजन थे, व्हाट वाज द मेन रीजंस ड्यू टू विच द रेवोल्यूशनरीज। ओके, उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरीज के क्या क्या प्रोग्राम थे, कैसे उन्होंने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा महाराष्ट्र में कौन से लीडर्स उभरे, बलवंत फाड़के जी, विनायक दामोदर सावरकर जी, है ना। बंगाल में कौन आगे आया, खुदीराम बोस जी। पंजाब में भी हमने देखा मदन लाल ढींगरा जी और लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, लाला हृदयाल, इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। और इसके अलावा हमने देखा कि एब्रॉड में भी देखने को एक्टिविटीज़ मिली, है ना। अगर आप देखें USA में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, हर जगह जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी। उसके बाद हमने देखा मिसेज भिकाजी कामा के बारे में, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका डिक्लेरेशन वहाँ हमको देखने को मिला। चलिए, अब क्या होता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ सेकेंड फेज, आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होता है, बीच में कुछ टाइम के लिए जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद पड़ जाती हैं, है ना। इसी दौरान गांधी जी काफ़ी एक बड़े नेता के रूप में उभर के भी आते हैं, है ना। फिर गांधी जी अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, तो वहाँ पे नॉन वायलेंस मूवमेंट जो गांधी ने चलाया था उसको बंद करवा दिया गया, उसको वापस ले लिया गया, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी गलतियाँ की या ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जिससे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो दोबारा एक साथ होने पे मजबूर हो गए थे, है ना। जैसे कि इसमें एक बहुत ख़ास जो है वो है जलियांवाला बाग मस्कर, है ना। आपको पता है जलियांवाला बाग मस्कर क्यों हुआ था, एक रोलेट एक्ट नाम का कानून बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस कानून के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। और ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया था ब्रिटिशर्स ने क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कर रहे थे लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे या उन पे जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाते थे, तो इसलिए बिना कारण बताए वो 2 साल के लिए अंदर कर देते थे, तो बात खत्म हो जाती थी। तो इस सबसे बचने के लिए उन्होंने रौलेट एक्ट बनाया और इसके तहत बहुत सारे नेताओं को अंदर कर दिया। उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर सभा हुई और जनरल डायर, जैसा कि आप जानते हैं कहानी आपने बहुत बार सुनी है, वो गए और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गेट बंद करवा के उस पार्क से कोई नहीं भाग पाया, हजारों लोग मारे गए, उससे लोग काफ़ी गुस्सा थे। तो ऐसी और बहुत सारी घटनाएं पूरे इंडिया में होती रहीं। और अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो ये बात करता कि अब भैया शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी, अब तो हमको फाइनली लड़ना ही है, ऐसी विचारधारा थोड़ी सी बढ़ने लगी थी। अब देखिए क्या होता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट फेज की तरह सेकंड फेज में भी कुछ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वो कौन कौन थी। तो भगत सिंह, यशपाल एंड छबील दास, इन लोगों ने मिलके युद्ध सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके अलावा कुछ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे उसमें आएगी हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। तो ये सब उसी दौरान 1928 का टाइम है, उस दौरान ये आई। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल टुगेदर चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उन्होंने ये जो एक संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो मेन एम था वो क्या था, टू अपरूट द एम्पीरियल रूल थ्रू रेवोल्यूशंस। एम्पीरियल रूल का मतलब क्या होता है, जो राजकीय शासन होता है ना, ब्रिटिशर्स के शासन को एम्पीरियल रूल बोला है। तो इन लोगों ने ये जो संस्था का नाम चेंज किया था, संस्था पहले से थी सिर्फ नाम चेंज किया, और उसका मेन एम क्या था, अपरूट, अपरूट आने उखाड़ के फेंक देना, है ना, एम्पीरियल रूल थ्रू रेवोल्यूशन। आज़ादी के एक क्रांति के माध्यम से, रेवोल्यूशन आने क्रांति, तो क्रांति का रास्ता अपना के
ये जो ब्रिटिश शासन है उसकी जड़ों को उखाड़ फेंक देना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था। अब इन लोगों के क्या क्या प्रोग्राम थे, कैसे उन्होंने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, तो अब देखिए जो सेकेंड फेज के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फोकस नहीं किया इस बात पे कि किसी पुलिस वाले को मारना है या पुलिस स्टेशन पे अटैक करना है, उनका इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उन्होंने क्या किया, टू सीज गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड रॉब बैंक्स फॉर द पर्पज ऑफ रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट के सरकार के जो खजाने थे उनको लूटा उन्होंने, बैंक्स में रॉबरी की, है ना, किस लिए, क्योंकि उनको चाहिए था पैसा। पैसा किस लिए, अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं, उनको चाहिए था कि वो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, है ना, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली पैसा लगता है हर चीज़ में, क्योंकि वेपन्स की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, तो उस सब के लिए उनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने बैंक रॉब किया। उसके बाद टू डेवलप कोऑर्डिनेशन विद रेवोल्यूशनरीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अचीव दियर एंड्स। पूरी पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन सबको उनको एक साथ लेके आना था, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए जिससे कि सारे रेवोल्यूशनरीज मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। अब स्लोगन ऑफ सेकेंड फेस, इनका क्या नारा नारा क्या दिया था, तो ध्यान से पढ़िए, वाई डू नॉट बैग फॉर ओ सॉरी वी डू नॉट बैग फॉर मर्सी, मर्सी मीन्स दया, हमको दया की भीख नहीं मांगनी, अवर वॉर इज स्टिल द लास्ट वर्डिक्ट, हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो अंतिम फैसले तक होगी, एंड द वर्डिक्ट इज सक्सेस और डेथ, और जो अंतिम फैसला क्या है वो या तो सफलता है या फिर मृत्यु है। देखिए कितना बेहतरीन नारा, कितने ज़्यादा मोटिवेटेड थे वो लोग कि हमको दया की भीख नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक है, अंतिम फैसले तक है, और वो अंतिम फैसला या तो हमारी सफलता है, हमारी सक्सेस है, या फिर हमारी मृत्यु है। ऐसा मोटिवेशन था हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके अंदर। द सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट डेवलप्ड इन टू एरियाज, वन इन पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार एंड सेकेंड इन बंगाल, ठीक है, दो अलग अलग एरियाज में ये डेवलप हुआ, और उसी के हिसाब से हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे की, तो पहला जो है वो जाना जाता है काकोरी कॉन्स्पेरेसी के नाम से, है ना। देखिए काकोरी जो है एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो ये बात है अगस्त 9, 1925, 9 अगस्त 1925 की बात है, और यहाँ पे सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक रेलवे लाइन जाती है और वहीं रास्ते में पड़ता है काकोरी रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप जाता है, अराउंड उसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे एक ट्रेन में ब्रिटिशर्स का जो भी खजाना है वो जा रहा होता है, और उसको ये लूट लेते हैं, रॉबरी कर लेते हैं वहाँ पे। अब इस इंसिडेंट से ब्रिटिशर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे अराउंड 25 के अराउंड लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ दिनों के बाद। अब ये जो लोग अरेस्ट हुए थे उनमें कौन कौन थे, जो महत्वपूर्ण नाम है वो हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। इन लोगों को तो पकड़ के सेंटेंस टू डेथ का मतलब है मौत की सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा 17 मेंबर्स और थे जिनको लॉन्ग टर्म इम्प्रीजमेंट दिया गया, मतलब लगभग पूरी जिंदगी के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सेकंड जो एक्टिविटी है, इन दिसंबर 1928 द पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू लाठी चार्ज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लाहौर। लाहौर में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, दिसंबर 1928 में, तो वहाँ पे लाठी चार्ज हो जाता है, और लाला लाजपत राय जो कि एक बहुत फेमस नेता थे, लाल बाल पाल में से एक थे, वो उनकी डेथ हो जाती है। अब अपना जो भी नेता होता है उससे लोग प्यार करते हैं, है ना, तो इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ से अपने जो प्रिय नेता हैं, ग्रेट लीडर हैं, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। इन 1928 द पुलिस ऑफिसर साउंडर्स वॉज असेसिनेटेड। इन 1929 द रेवोल्यूशनरी थ्रू टू बॉम्ब्स एट द लेजिस्लेटिव द असेंबली इन कलकत्ता। देखो जरा, आप देखिए रेगुलर घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 1928 में एक साउंडर्स नाम का पुलिस ऑफिसर है उसको मार दिया जाता है, इसके बाद 1929 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ब्रिटिशर्स की उस पर बम फेंके जाते हैं, ठीक। अब क्यों फेंके जाते हैं, दिस वॉज डन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू रिप्रेसिव लॉज एंड अरेस्ट ऑफ 31 लेबरर्स लीडर्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बट ट्राइड फॉर दिस कॉन्स्पिरेसी, है ना। ये जो बम फेंकने वाला काम था वो किसने किया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। क्यों किया था, क्यों,
क्योंकि जो 31 लेबर लीडर्स हैं है ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। किस लिए अरेस्ट किया था? क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नए कानून जो बनाए गए थे उनके लिए। उसके बाद वट एवर रेवोल्यूशनरीज गैप इन द कोर्ट बर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे। जो रेवोल्यूशनरीज ने जो भी स्टेटमेंट दिए वो न्यूज़पेपर में छाप दिए गए। दस द प्रोसीडिंग बिकम नोन एज दे रीच्ड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री विथ ग्रेट स्पीड एंड बर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रेवोल्यूशनरीज। ध्यान देखिए जरा, ये जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जब इनको कोर्ट में ले जाया गया तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें कहीं, और उनकी जो बातें थीं ऐसी थीं कि उनसे लोग मोटिवेट हुए थे है ना, और उनको न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया गया तो ऑल इंडिया में वो फैल गए। तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज पूरे इंडिया में काम कर रहे थे वो भगत सिंह की उन स्टेटमेंट से जो उन्होंने कोर्ट में दिए उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। अब वो क्या स्टेटमेंट थे अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। डिस्पाइट वाइड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। ये सब डिस्प्यूट की वजह से 23 मार्च 1931 को श्री भगत सिंह जी को फांसी पर लटका दिया गया। दैट डे ऑफ द इंसिडेंट प्लग एंटायर नेशन इन द ग्लूम। द रेवोल्यूशनरीज वर इल ट्रीटेड इन द जेल। दे बेंट ऑन हंगर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट देम। ठीक है, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, इससे क्या है कि पूरे देश में बहुत गुस्सा छा गया, और दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे उनको ऐसी जेल में डाला गया जहाँ पर उनको ना खाने को दे रहे हैं ना पीने को दे रहे हैं, उनकी कोई भी देखभाल भी नहीं हो रही है। इसी बीच क्या होता है, जेल में एक रेवोल्यूशनरी की डेथ हो जाती है जिनका नाम है जतिन दास। ऑन द 64th डे ऑफ इज हंगर स्ट्राइक सॉक्ड इन द कंट्री। 64 दिनों की हंगर स्ट्राइक चल रही थी जेल में है ना, तो उसमें एक रेवोल्यूशनरी जतिन दास जी की डेथ हो जाती है। फिर चंद्रशेखर आजाद वॉज बॉर्न। अच्छा, यहाँ से ये एक जो हिस्टोरी है भगत सिंह की यहाँ पे थोड़ी सी खत्म हो जाती है। देखिए, भगत सिंह के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आप उनकी बायोग्राफी लीजिए या ऑटोबायोग्राफी लीजिए और उसको पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पे बर्थ हुआ, तो वॉज बॉर्न एट भावरा विलेज इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ। गांव का नाम था भावरा विलेज। ही एम्ब्रेस्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द टेंडर एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वैन ही वॉज अरेस्टेड ही टोल्ड हिज नेम वॉज आज़ाद। जब उनको अरेस्ट किया गया उनसे नाम पूछा गया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा नाम आज़ाद है। हिज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी अपन ने देखा अभी, ट्रेन लूटी थी उन्होंने, सॉन्डर्स किलिंग, सॉन्डर का मर्डर हुआ उसमें भी ये शामिल थे, एंड बम्बिंग एट द असेंबली, और असेंबली में जो बम फेंका उसमें भी ये शामिल थे। फाइनली सराउंडेड बाय ब्रिटिश बुलेट एट द अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद ही शूट हिमसेल्फ। इनकी तलाश चल रही थी तो इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क नाम की जगह है, वहाँ पे इनको घेर लिया जाता है, अरेस्ट कर लेते हैं, कुछ देर तक ये मुकाबला करते हैं, और लास्ट में जब इनको लगता है यार सिर्फ एक ही बुलेट बची है मेरी गन में, तो वो ये खुद को शूट कर लेते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के हाथों ये पकड़े जाएँ। उसके बाद अगले कुछ नाम है, ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत राव। दीज थ्री रेवोल्यूशनरीज बर फ्रॉम दमोह डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से थे ये। आफ्टर ज्वाइनिंग द रेवोल्यूशन देयर मर्डर अ ब्रिटिश ऑफिसर हैक्सेट। एक ब्रिटिश ऑफिसर को इन लोगों ने मार दिया था। यशवंत सिंह एंड देव नारायण तिवारी वॉज हैंग टू डेथ। इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे जो हमारे मध्य प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। इसके बाद आगे हम देखने वाले हैं बंगाल। अब बंगाल में क्या हुआ, देखिए हमने अभी पढ़ा रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं वो एक थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जो आपको पता होना चाहिए क्या है, मैंने बता भी दिया है। दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, कि उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे है ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद आ जाइए बंगाल की तरफ। अब
सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज, इनके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। द पीरियड बिटवीन 1942 टू 1945 रिब्रेटेड विद द साउंड ऑफ इंडियन फ्रीडम बियॉन्ड मध्य प्रदेश एंड द हीरो ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सुभाष चंद्र बोस। डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ गांधी जी इन 1939, बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑन द कांग्रेस। लेटर ही लेफ्ट कांग्रेस टू फाउंड द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड बिगन टू प्रोपगेट द फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशन। ही सेक्रेटरी लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू बर्लिन एंड देन टू जापान। 1942 से 1945 के दौरान एक नया फेज शुरू होता है ना। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। इवन गांधी जी इसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ये चुन लिए जाते हैं। आप इसी समझ सकते हैं इनकी लोकप्रियता क्या होगी, क्योंकि गांधी जी का कोई विरोध करने वाला नहीं था उस दौरान। वो जो बोलते थे वो हो जाता था कांग्रेस में, लेकिन उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, ये बहुत बड़ी बात थी और ये दर्शाती है उनकी लोकप्रियता को। तो सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में क्या करते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया भी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? तो वो बनाया श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से उन्होंने जो रेवोल्यूशन क्रांति की जो फीलिंग है ना, उसको पूरे इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद ही उन्होंने सीक्रेट, एक गुप्त सीक्रेट तरीके से इंडिया को छोड़ दिया। वहां से वो बर्लिन गए, है ना। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो जर्मनी में जाके वो हिटलर से भी मुलाकात की उन्होंने, है ना। तो कहते हैं हिटलर से उनकी जो मुलाकात थी काफी अच्छी हुई थी, और जो हिटलर हैं एडोल्फ हिटलर, वो इनसे काफी इंप्रेस भी हुए थे, है ना। जापान भी गए, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे गए, और उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां पे कंटिन्यू रखी। इन द मीन टाइम एट द इनिशिएटिव ऑफ रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, वन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टेकन प्रिजनर्स बाय जापानीज, फॉर्म टू आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस इंस्टिल्ड न्यू एनर्जी इन टू आजाद हिंद फौज एंड बिकम फेमस बाय द नेम नेताजी। इसी दौरान क्या होता है, जो रास बिहारी बोस नाम के एक और नेता होते हैं और कैप्टन मोहन सिंह भी होते हैं, ये कौन है? वन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टेकन प्रिजन बाय द जैपनीज। जैपनीज इनको पकड़ के ले गए थे, कैदी बना के ले गए थे, है ना। तो ये जो है मिलके एक आजाद हिंद फौज नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो भी हैं वो भी इस आजाद हिंद फौज से जुड़ जाते हैं। और आजाद हिंद फौज में एक नई एनर्जी फील करते हैं, मतलब उसको मोटिवेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। इतना ज्यादा मोटिवेशन दे देते हैं वो आजाद हिंद फौज को कि उनको बाद में फिर नेताजी के नाम से जाना जाने लगता है ना। इसलिए हम आज बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द कैपेसिटी ऑफ लीडर ऑफ आजाद हिंद फौज, ही फॉर्म्ड अ टेम्परेरी इंडियन गवर्नमेंट इन सिंगापुर ऑन 23 अक्टूबर एंड टुक वाउ टू सेट लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। देखिए जरा, इन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए काम करते हुए सिंगापुर में एक गवर्नमेंट का निर्माण कर दिया। ध्यान से सुनिए जरा, उन्होंने इंडियन अभी इंडिया को आजादी नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में एक भारतीय सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का निर्माण कर दिया, और वहां पे शपथ ली कि टुक वो टू सेड लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, की देश की आजादी के लिए वो अपने खून का एक एक बूंद तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इन 1944 आजाद हिंद फौज वॉज सक्सेसफुल इन मूविंग अप टू द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब देखिए जरा, वहां पे उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई है, और फिर जापान से वो आते हैं इंडिया पे, मतलब ब्रिटिशर्स पे अटैक करने के लिए। तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ कंट्रीज है ना, वहां पे ये पहुंच जाते हैं। इन 1944 ही होस्टेड इंडियन फ्लैग इन कोहिमा। कोहिमा कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। तो कोहिमा जो शहर है ना, वहाँ पे एक कैपिटल सिटी है, वहाँ पे वो इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हैं, भारत का झंडा फहराते हैं। एंड देन सीज्ड इम्फाल, बट ड्यूटी
ड्यू टू पॉसिटी ऑफ राशन एंड एक्सेसिव रेन ही हैड टू रिट्रीट फ्रॉम हियर। और वहाँ पे वो ना इम्फाल को सीज कर लेते हैं, इम्फाल भी कैपिटल है किसी स्टेट की, है ना, उसको सीज कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से नेताजी को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। नेताजी ने फिर आखिरी में एक स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम। हिंदी में अपन ने काफ़ी बार सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, तो मुझे खून दो मतलब अपना बलिदान दो और बदले में हम सब आज़ादी लेके आएंगे, ऐसा वो वादा करते हैं। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का लिखा हुआ है, फ्रेंड्स माई सोल्जर्स, दोस्तों मेरे सैनिकों, योर वॉर क्लैरियंस शुड बी दिल्ली चलो दिल्ली चलो, आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ अस विल सर्वाइव टू विटनेस द फ्रीडम बट आई नो फाइनली वी विल विन। वो अपने सैनिकों से बोलते हैं कि हम एक नया नारा लगाते हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, दिल्ली की तरफ बढ़ना है क्योंकि दिल्ली राजधानी है, है ना, राजधानी पे अगर आप कब्जा करोगे तो सब कुछ आपका, तो दिल्ली चलो। और मैं ये तो नहीं जानता कि हम कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, या हम आज़ादी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये बात मैं ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम ज़रूर जीतेंगे और एक दिन हमको आज़ादी ज़रूर मिलेगी, भले ही हम उसको ना देख पाएं लेकिन आज़ादी हमको मिलेगी ज़रूर, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। उसके बाद अब इन 1944 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद जापान की जो कंडीशन है वो काफ़ी वीक पड़ चुकी थी दुनिया में, है ना, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो इस वजह से अब आज़ाद हिंद फौज का जो डायरेक्शन था वो पूरा जापान से हो रहा था, तो इस वजह से जब जापान वीक हुआ तो आज़ाद हिंद फौज भी थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक जा रहे थे 1945 में, है ना, तो रास्ते में उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उनकी जो डेथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है, है ना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट रिलीज भी नहीं करती है और उनके बारे में कुछ बताया भी नहीं जाता है। तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी की ये लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे जाना। इसके अलावा दूसरे जो नेता थे आज़ाद हिंद फौज के, कॉलोनियल शाहबनाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह, इनको काफ़ी प्रयास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इनको जेल में डाल दें, लेकिन लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया और फिर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकी, सज़ा नहीं दी। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर एवर द पब्लिक मूवमेंट बीकन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फेवरेबल एटमोसफेयर टू कंटिन्यू एफर्ट फॉर फ्रीडम कॉन्सिक्वेंटली द पाथ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिकम ईजियर एंड इंडियन यूथ प्रेजेंटेड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ डेविशन एंड सेक्रीफाइस दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड। आज़ादी की लड़ाई जब जब धीमी पड़ी तब तब ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों में एक नई एनर्जी डाली, है ना, लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने कभी भी ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको डाउन नहीं होने दिया, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरीज का जो योगदान है उसको ऑब्वियसली कभी नहीं भुलाया जा सकता, अगर वो ना होते तो डेफिनेटली हमको आज फ्रीडम नहीं मिलती। मैं इस चैप्टर के बाद, ये तो हमारा फिनिश हो गया है, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भगत सिंह जी के बारे में ज़रूर उनकी बायोग्राफी पढ़ें, समझें और उनकी लाइफ से कुछ सीखें, ठीक है, ओके। ये पिछले दो चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके, बाय बाय।